हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन मेटेरियल में। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते हैं और अपना प्यार दिखाने के लिए लाइक बटन को दबा सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, सब मजे कर रहे होंगे। देखिए, छोटी सी बात बताऊंगा, छोटी सी बात करूंगा, कोई पढ़ाई की बात नहीं होगी, जस्ट थोड़ा बहुत मोटिवेशन के लिए बताऊंगा कि क्या कुछ करना है। देखिए, सब जॉब क्यों लगना चाहते हैं? सब सेटल होने के लिए हम जॉब चाहते हैं कि सेटल हो जाएं, जॉब लग जाए ताकि हमारा खर्चा सही से चले, हम पैसे कमा सकें, हमारा घर सही से चले, हमें किसी से किसी और से उम्मीद ना रखनी पड़े कि खर्चा कहाँ से लेके आएं, अपना फैमिली को हम कैसे पालें। तो सभी देखिए मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं सभी, मोस्टली वही लोग चाहते हैं कि कोई 40-50 हज़ार की दिल्ली पुलिस की या किसी और की नौकरी करे। जिसके पास पैसे हैं वो तो खुद नौकरी नहीं करेगा, वो तो नौकरी पर रखेगा। तो दोस्तों, सबकी मजबूरी है, सबके पैसे कमाने के शौक हैं। देखिए, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमति रखता हूँ हमेशा ही कि पैसे कमाने बहुत ज़रूरी हैं। आज की लाइफ में पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास पैसे हैं तो हमारे पास सब कुछ है, अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारे पास बहुत कुछ नहीं है। हकीकत बात है ये आज की टाइम की, आज के समय की, क्योंकि आप भी अपने आसपास के मोहल्ले में देखते होंगे कि लोग उसी की ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, लोग उसी की तरफ भागते हैं जिसके पास पैसे नहीं है। कुछ लोग मेरी इस बात से असहमत होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हर के लिए नहीं बोल रहा, मैं मोस्टली चीज़ के लिए बोल रहा हूँ। 70-80% ये केसेज हैं। देखिए, रेस्पेक्ट लोग उसी की करते हैं जिसके पास पैसे हैं और थोड़ी बहुत इज्जत करता है वो किसी की। देखिए, जिसके पास पैसे हैं वो लोग उसके तरफ जाएंगे, दो लोग उसको ही उसके पास ही बैठना पसंद करेंगे जिसके पास पैसे हैं, सोचते हैं कि हमारे काम आएगा। जिसके पास मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई नहीं आगे बैठेगा, कोई भी भाई यारी दोस्ती की बात अलग होती है, बाकी मेरे पास कोई आगे बैठ के बात नहीं करना चाहेगा कि यार लगेगा इसके पास क्या है, कभी क्या ये मेरी ज़रूरत को पूरा करेगा, कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, आप लोग असहमत होंगे कुछ लोग इस बात से, लेकिन ये हकीकत है आज के समय की, अगर पैसा है तो आपके पास लगभग सब कुछ है। देखिए, माँ बाप तो माँ बाप हैं, और कुछ कुछ चीज़ें होती जो पैसे से नहीं खरीदी जाती, लेकिन 98% अगर आपके पास पैसा है तो 98% आपके पास सब कुछ है, आपके पास खुशी भी है, सब कुछ है, अगर आपके पास पैसा नहीं है। अब आप एग्जांपल दोगे कि सर सुशांत के पास भी पैसे थे, उसने सुसाइड क्यों किया? कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं इस मामले में। तो पैसा कमाना है तो हमें क्या करना चाहिए, समझ रहे हो? पैसा तभी कमा सकते हैं जब क्या तो जॉब लग सकते हैं, कि अपना बिजनेस कर सकते हैं, या फिर हमें कुछ ना कुछ करता रहना चाहिए। हम ये नहीं कि हमें कहीं रुक गए उससे हमें पैसे नहीं आएंगे, ठीक है? सबसे बड़ी बात है ये, आप नौकरी कर रहे हो अभी, ठीक है, आप कोशिश करोगे कि सर मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब लग जाऊं, क्या आप उसी में संतुष्ट हो जाओगे भविष्य में? अगर आप उस चीज से संतुष्ट होकर वहीं रुक जाते हो तो ये आपका आपके लाइफ का बहुत बड़ा फेलियर है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, देखिए आपको कुछ ना कुछ करते रहना है, ये नहीं कि सर मैं नौकरी लग गया बस, मेरा तो एक सपना है कि मैं नौकरी लग गया बस खत्म, नहीं, रुकना नहीं है। जिस दिन जिंदगी में रुक गए उस दिन ये मानो कि जिंदगी खत्म है। जिस दिन ये सोच लिया कि बस आज मेरा सब कुछ पूरा हो गया, उसी दिन आपकी लाइफ के टारगेट गोल सब कुछ खत्म हो जाएंगे और कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का। तो मैं यही कहना चाहूंगा, पढ़ो, पढ़ के पहले इतना करो कि आप किसी चीज में इन्वेस्ट कर पाओ, पढ़ना जरूरी है। जॉब लगना, अगर आपके पास पैसे होंगे तभी किसी चीज में इन्वेस्ट कर पाओगे। मैं सच बताता हूँ, हकीकत बताता हूँ, मुझे भी 2 साल से ऊपर हो गए नौकरी लग गए, लेकिन मेरे पास 1 रुपये भी सेविंग नहीं है, ठीक है? मैं कह सकता हूँ इस बात को, मैं अपने मनी को सिर्फ इन्वेस्ट करता हूँ, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में अपने पास नहीं रखता, ठीक है? रखने से कुछ फ़ायदा भी नहीं है, अगर हम उसको बैंक में रख देते हैं तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, बैंक हमें कुछ भी ब्याज नहीं देता। तो उससे अच्छा कि हम किसी काम में इन्वेस्ट करें, ठीक है, एक जगह इन्वेस्ट ना करें, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी इन्वेस्ट तो तभी करेंगे ना जब हमारे पास पैसे होंगे, ठीक है? तो पैसे कमाने के लिए पढ़ना जरूरी है, अपने मेहनत करो, दो चार महीने जितने भी बचे हैं मेहनत करके जॉब लगो, कमाओ, उनको फिर आप इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट भी इस तरीके से करो कि आपके कहीं वो खराब ना हो जाए, तो ठीक है। लेकिन कुछ लोग पढ़ते नहीं है, कुछ लोग सिर्फ सपने लेते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हो, ये हो। देखिए, सपने सभी लेते हैं, मैंने बताया आपको कि सपने सभी लेते हैं, सपनों से कुछ नहीं होता मेरे भाई। जब तक सपने आपकी ज़रूरत ना बनेंगे ना, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये हकीकत है, ठीक है? लोग किताबों से भागते हैं, पढ़ना पसंद नहीं करते, समझ रहे हो? सोता नहीं, किताब उठाते ही उनको नींद आने लग जाती है,
समझ रहा, हकीकत बात है मेरे साथ भी ये होता, जब मैं पढ़ता था मुझे भी किताब उठाते नींद आने लगी लगती थी, लेकिन फिर मैंने कोशिश की, फिर मैंने पढ़ने की कोशिश की। तो आज ऐसे ही मैं बैठा बैठा कुछ लिख रहा था अपनी किताब में, जैसे मैं मोस्टली अपनी चीज़ें डायरी में लिखता हूँ, तो मैंने ऐसे ही बैठा बैठा कुछ सोच रहा था। मेरी एक बात ध्यान में आई उन लोगों के लिए जो किताब देखना पसंद नहीं करते या फिर उनको नींद आती है, तो एक छोटी सी मैं बात कहना चाहूँगा। एक दिन किताबों ने भी आखिर थक के मुझसे पूछ ही लिया, ऐसे तो तुम मुझसे कब तक मोहब्बत करोगे। एक दिन किताबों ने भी थक के आखिर मुझसे पूछ ही लिया, ऐसे तो तुम मुझसे कब तक मोहब्बत करोगे। कभी याद करते हो तो कभी भूल जाते हो। हमने भी कह दिया हम आपसे तब तक मोहब्बत करेंगे जब तक मोहब्बत का नाम मोहब्बत है। तो दोस्तों, हमें तब तक उस चीज़ को प्यार करना है जब तक हमारी ज़िंदगी है। मोहब्बत का एक अर्थ हमें आप ये ज़िंदगी ले सकते हैं। हमने भी उसे बोल दिया कि हम आपसे तब तक मोहब्बत करेंगे जब तक मोहब्बत का नाम मोहब्बत है। अगर मोहब्बत का नाम कुछ और होगा तो हम उर्फ लगा के सर्टिफिकेट बनवा के वो भी रख लेंगे, ठीक है। फिर क्या था भाई, फिर वो भी चल झूठा कह के गले लग गई किताब भी हमारे। तो कहना चाहूँगा कि इतना प्यार करो कि नॉलेज आपको प्यार करे, वो आपके गले लगे, आपके गले में उतरे। तो किताबों से नफरत करने वाले मेरे भाई जो जो हैं, किताबों से इतनी मोहब्बत करो कि सब कुछ वो भी चाहे कि ये बंदा मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, क्यों ना मैं इसकी हो जाऊं, ठीक है। प्यार से सब कुछ अपने पास कर सकते हो, मेहनत से सब कुछ अपना कर सकते हो। तो वही बताना चाहूंगा कि पढ़ो, मोहब्बत करो किताब से। अभी समय है किताब से मोहब्बत करने का, किसी और से नहीं। किसी और के चक्करों में पढ़ोगे तो समय बर्बाद है। किताबों से मोहब्बत करो, किताबों से पढ़ो। जब हम एक स्टेज पार कर लेते हैं, कोई जॉब लग जाते हैं छोटी मोटी, हमारे पास इनकम आती है, तो हम पैसे से पैसा जोड़ सकते हैं। मैं चाहता तो मैं रुक सकता था, लेकिन मैं पढ़ता, मैं हालांकि इतना नहीं पढ़ रहा हूँ फिलहाल, मैं सच बताता हूँ, मेरी ग्रेजुएशन का इशू है थोड़ा, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने यूट्यूब की तरफ अपना मुंह मोड़ दिया, मैंने वेबसाइट की तरफ मुंह मोड़ दिया। अभी कुछ समय में मैं, जब भी मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आपकी सपोर्ट की वजह से मैं एक ऐप लॉन्च करूंगा, ठीक है, जिसमें भी आपका सपोर्ट चाहिएगा, एक ऐप लॉन्च करूंगा। अभी नहीं, अभी समय लगेगा, लेकिन मेरी मैंने बता देता हूं जो भी मेरी प्लानिंग होती है भविष्य की। अगर भविष्य में ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाया तो मैं बहुत कुछ अच्छा करने जा रहा हूं, अगर होगा तो, ठीक है। आप लोग भी सब मेरे साथ हुए, सब साथ जुड़े। देखिए, हमें भी राहों में अकेला चलना पसंद था, हम भी अकेले थे भाई, हमें भी राहों में अकेला चलना पसंद था, पर कमबख्त इन दोस्तों ने अपना हमसफर बना लिया। आप मेरे वो दोस्त हो जिन्होंने मुझे अपना हमसफर बना लिया, अपना साथी समझा, अपने प्यार दिया, वरना तो हम तो अकेले में रस्ते में अकेले ही चल रहे थे। तो दोस्तों, वही कहना चाहूँगा, हम भी राहों में अकेले चलते थे, पर कमबख्त इन दोस्तों ने मुझे अपना हमसफर बना लिया। तो मेरे दोस्तों, पढ़ो, मेहनत करो और साथ रहो, साथ मिलके सपोर्ट करो। पैसा कमाना बहुत बड़ी बात है, पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने बड़ों की, अपने माँ बाप की, अपने भाई बहन की, अपने गांव में अपने सब इज्जत बनी रहनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सबसे बड़ा, हमारे माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है हमारी ज़िंदगी में, ना नौकरी, ना पैसा, कुछ नहीं है। जब कोई बंदा अपने माँ बाप का नहीं हो सकता तो वो किसी का भी नहीं हो सकता। उसके लिए पैसे भी कोई मैटर नहीं, वो कितने भी पैसे कमा लो उसे सुख शांति नहीं मिलेगी। जिस बंदे के, जिस भी भाई या जिस भी बहन के माँ बाप उससे खुश हैं, उसके पास कुछ भी ना हो, वो हमेशा खुश रहेगा, ठीक है। लेकिन पैसा ज़रूरी है दोस्तों, खुशी के साथ पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये बताऊँगा कि खुशी का, अगर हम माँ बाप से खुशी मिलती है बहुत अच्छी बात है, माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए, माँ बाप हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन पैसा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, ज़िंदगी जीने के लिए, ठीक है। मैंने वही बताया, पैसा है तो बाहर के लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं आपकी नहीं करेंगे। क्या आपके पास पैसा होना चाहिए, क्या आपके पास पोस्ट होनी चाहिए? मेरे से आके कोई नहीं मिलेगा। अगर DCP साहब हैं, कोई और हैं, कोई बड़ा अफसर है, कोई IPS है, कोई IAS है, सब लोग उससे उसको चाहेंगे कि उसके साथ रहें। हम, हमारे साथ कौन चाहता है कि हम इसके साथ रहें, क्योंकि हमारे पास ना पोस्ट है ना पैसे हैं। तो हकीकत बात यह है, जिसके पास पैसे हैं उसी की इज्जत है। पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। पैसे से पैसा जुड़ता है, पैसा जोड़ने के लिए सबसे पहले पैसा चाहिएगा। पैसा कैसे मिलेगा, वो आपको नौकरी चाहिए, नौकरी कैसे मिलेगी, किताबों से मोहब्बत करो तभी आपको नौकरी मिलेगी। छोटी सी बात थी, बताना चाहता था। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, बुरी लगी हो तो डिसलाइक ठोक के चले जाना, बाकी आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।